मैं आज आपके समक्ष कैंसर स्क्रीनिंग के विषय में बात करना चाहूँगा। कैंसर स्क्रीनिंग की मदद से कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। स्क्रीनिंग की जांच जिन लोगों में कोई कैंसर के लक्षण नहीं हो उन लोगों में की जाती है। सर्वप्रथम मैं ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के विषय में बात करना चाहूँगा, जो भारत की महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है। 45 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिलाओं को हर वर्ष के अंतर पर डिजिटल मेमोग्राफी करानी चाहिए। 55 वर्ष के बाद हम इसे घटाकर हर 2 वर्ष पे भी कर सकते हैं। दूसरा कैंसर है कोलोन कैंसर, जो बड़ी आंत का कैंसर होता है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी व्यक्ति को कोलोनोस्कोपी यानी दूरबीन की जाँच से हर 10 वर्ष पर यह स्क्रीनिंग करानी चाहिए। तीसरा कैंसर है सर्विक्स कैंसर, जो गर्भाशय के नीचे के भाग से उत्पन्न होता है। 21 वर्ष से अधिक आयु वाली प्रत्येक महिलाओं को हर 3 वर्ष के अंतर पर पैप स्मियर की जांच करानी चाहिए। 30 वर्ष के बाद HPV DNA टेस्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, जो हर 5 वर्ष के अंतर पर करी जानी चाहिए। चौथा कैंसर है फेफड़े का कैंसर, जो लंग कैंसर है। पिछले 15 वर्ष में अतिशय धूम्रपान का सेवन करने वाले लोग जो 55 से 74 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनका हर वर्ष लो डोज CT स्कैन के द्वारा स्क्रीनिंग किया जा सकता है। ये सभी स्क्रीनिंग सुविधाएं मेरेंगो सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद में उपलब्ध हैं। इन सभी जांचों से कैंसर की अर्ली स्टेज में पहचान हो सकती है और हम इसे मिटा सकते हैं। थैंक यू।